फतेहपुर जिले में अवैध कब्जों पर बाबा का बुलडोजर जमकर गरज रहा है। आपको बता दें कि नेशनल हाईवे 2 के चौड़ीकरण का काम चल रहा था। एआरटीओ दफ्तर के करीब 7 मकानों को नोटिस देने के बाद भी उन्होंने अपने मकान को नहीं तोड़ा था। ऐसे मकानों पर अब बाबा का बुलडोजर जमकर गरजा। नेशनल हाईवे को कर्मचारी और एसडीएम की मौजूदगी में अवैध मकानों को कब्जा मुक्त कराया गया। प्रशासन की कार्रवाई से आसपास के लोगों में भी हड़कंप मच गया। कई दिनों पहले प्रशासन की एक टीम ने अवैध कब्जे को लेकर नोटिस भी दिया था, लेकिन जब तक तय समय पर मकान न तोड़ने पर टीम ने बुलडोजर लेकर जैसे ही मौके पर पहुंची, लोग अपना सामान हटाने में जुट गए। एसडीएम के साथ पुलिस की मौजूदगी में अवैध कब्जे को एक पल में जमींदोज कर दिया गया। काफी दिनों के भुगतान किए, 6 महीने आपके पेट हो गया और इसके बाद कई बार इनको इंटीमेशन दी गई, इनको सूचित किया गया कि आप लोग अपनी संरचनाएं हटा लें और उनके द्वारा संरचनाएं नहीं हटाई गई तब जाके आज में खाली कराने की प्रक्रिया की जा रही प्रशासन की उपस्थिति। कितने कितने घर गिराए जा रहे हैं, लमसम कितने घर इसकी जद में आ रहे हैं? 7 मकान आ रहे हैं। क्या उनको पहले भी समय दिया गया था? पहले का कई बार इनको तकरीबन 1 महीने से ऊपर का पीरियड हो गया इनको भुगतान हुए और इनको समय कई बार व्यक्तिगत रूप से इंफॉर्मेशन दिया गया, काफी कई बार करने के बाद तब जाके कहा।